fan la gente. ਅਸੀਂ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਚੱਲ ਪੈਣਾ ਸੀ ਬਸ। ਅੱਗੇ ਰੈਡੀਓ ਕੋਲ ਕਹਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੰਨ ਲੱਗੇ ਜੀ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਰਾਮ ਸੇ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬੁਲਾਵਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਪਵਾ ਦਈਏ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਫੁੱਲ ਪਵਾ ਦਈਏ ਭਾਈ। ਬੋਲ ਜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ, ਰਾਮ ਜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ। ਬੋਲ 85 ਫੋਟੋ ਕਰਾ ਲਓ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਹਿਬ ਮੋਬਾਈਲ ਅਫਸਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫੋਟੋ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਏ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੇ ਵੀਰੇ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਖਾਸਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੋ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬਾਬੂ ਨਿਮੇਸ਼ ਰਾਮ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਿਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੰਡੀ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੰਡੀ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਬਾਬੂ ਨਿਮੇਸ਼ ਰਾਮ ਜੀ, ਰਾਜੀਵ ਲਵਲੀ ਜੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ, ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਜੀ, ਭੈਣ ਨਰਿੰਦਰ ਪੁਰੇਵਾਲ ਜੀ ਇਸਤਰੀ ਲੀਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜੋ, ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੰਨੇ ਖਾਨ ਜੀ ਅਤੇ ਲਵਲੀ ਜੀ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਸਾਂਭਣ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਅੱਠ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਨਿਮੇਸ਼ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਬਾਬਾ ਨਿਮੇਸ਼ ਰਾਮ ਜੀ, ਸਾਥੀਓ, 9 ਅਕਟੂਬਰ ਸੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਯਾਤਰਾ ਹਮਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀ ਹੈ ਔਰ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਚੱਲਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜੋ ਪਰਿਵਰਤਨ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 7 ਅਗਸਤ 2018 ਸੇ ਸ਼ਿਵਨੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੇ ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ 6 ਫਰਵਰੀ 2019 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਯਾਤਰਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਮੇਂ ਚੱਲੇਗੀ ਔਰ ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਯਾਤਰਾ ਕੇ ਦੁਆਰਾ 31 ਰਾਜੋ ਕੇ 441 ਜ਼ਿਲ੍ਹੋ ਮੇਂ ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਯਾਤਰਾ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੇ ਲੀਏ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕਰਨੇ ਕਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸੀ ਕੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਜ ਆਪਕੇ ਇਹ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਮੇਂ ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਯਾਤਰਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਆਪ ਲੋਗੋ ਨੇ ਇਸਕਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਆ, ਇਸਕੇ ਲੀਏ ਸਭਸੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭੀ ਲੋਗੋ ਕਾ ਧੰਨਵਾਦ ਗਿਆਪਨ ਕਰਤਾ ਹੂੰ। ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਯਾਤਰਾ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀ ਗਈ ਹੈ।
जिस तरह से अंग्रेजों के विरोध में आज़ादी का आंदोलन चलाना पड़ा, उसी तरह से ब्राह्मणों के विरोध में भी आज़ादी का आंदोलन चलाना जरूरी होगा। क्योंकि जब तक आज़ादी हमको नहीं मिलेगी, तब तक हमारे जो संवैधानिक अधिकार है वो हम लोगों को मिलने वाले नहीं है। जिस तरह से अंग्रेज विदेशी थे, उसी तरह किया होगा। वो हमारे आदरणीय मान्यवर नेता वामन मेश्राम जी, संयोजक बहुजन क्रांति मोर्चा को हार पहनाकर स्वागत करेंगे उनका। हमारे हरमन प्यारे मान्यवर नेता वामन मेश्राम जी, उनका हम अम्बेडकर एकता मंच की ओर से स्वागत करते हैं। जय भीम बोल 85, बोल 85, मूल निवासी जागेगा, भागेगा। हमारे अंबेडकर एकता मंच की तखत बदल दो, ताज बदल दो, बेईमान नौका राज बदल दो। मैं अब निवेदन करूंगा, हमारे ऐश्वर्य भवन हमारी संघर्ष को देखते हुए छोड़ना पड़ा, उसकी खुशी में आज मिठाई से मुंह मीठा करवाएंगे। चोर लुटेरा भागेगा, वामन मेशराम जी संघर्ष करो, वामन मेशराम जी संघर्ष करो। साथ थोड़ा सा
अपील है जिन साथियों का नाम लिस्ट में नहीं है कृपया वो मंच के नीचे स्थान ले लें क्योंकि मंच थोड़ा कमजोर है और भीमराव अंबेडकर अमर रहे अमर रहे भीमराव अंबेडकर अमर रहे अमर रहे मंच पे मानयोग वामन महेश राम जी जिंदाबाद 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 मानयोग वामन महेश राम जी जिंदाबाद सुरपा पहनाकर लोही पहनाकर उनका स्वागत कर रहे हैं बोल पचासी बोल पचासी बोल पचासी मूल निवासी समाज जागेगा अब मैं एक नारा लगाऊंगा जाति अभिमान छोड़ो मूल निवासी समाज जो आपने बोला है मूल निवासी समाज जोड़ो जाति अभिमान छोड़ो जाति अभिमान छोड़ो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी अमर रहे तो आज की यात्रा में जितने भी वामन मेश्राम जी के साथ हमारे जो परिवर्तन यात्रा आज आपके शहर में आई है ये 7 अगस्त 2018 से शिवनी मध्य प्रदेश से शुरू हुई है 6 फरवरी 2019 तक लगातार 6 महीने 31 राज्यों के 441 जिलों में ये परिवर्तन यात्रा लगातार चलती रहेगी पंजाब में 9 अक्टूबर से ये परिवर्तन यात्रा शुरू हुई है आनंदपुर साहिब से और 4 नवंबर को अमृतसर साहिब में इसका समापन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ सबसे पहली बात तो ये है कि इस देश में हम लोगों को ये बताया जा रहा है या बताया जाता है कि 15 अगस्त 47 को भारत आज़ाद हुआ मगर मैं ये बात नहीं मानता हूँ कि 15 अगस्त 47 को भारत आज़ाद हुआ अंग्रेज़ नाम का विदेशी चला गया और ब्राह्मण नाम का विदेशी भारत का हुक्मरान हो गया अंग्रेज नाम का जो विदेशी था वो चला गया और ब्राह्मण नाम का विदेशी हुक्मरान हो गया एक विदेशी चला गया दूसरा विदेशी फिर हमारे सर पर आके बैठ गया तो अंग्रेजों के आने की तारीख पता है जाने की भी तारीख पता है ब्राह्मणों के आने की तारीख पता है अभी जाने की तारीख मालूम नहीं अभी वो गए नहीं हैं इस यहीं पर वो बैठे हुए हैं हमारे सर पर तो ये जो उन लोगों ने ब्राह्मण राज भारत पर स्थापित कर दिया कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है कांग्रेस भी ब्राह्मणों का दल है बीजेपी भी ब्राह्मणों का दल है एक ब्राह्मणों का दल जाता है तो दूसरे ब्राह्मणों का दल आता है इससे केवल एक बात सिद्ध होती है कि ब्राह्मण राज देश में स्थापित किया जा चुका है ये आज़ादी की लड़ाई अंग्रेजों को भगाकर ब्राह्मणों को भारत का हुक्मरान बनाने के लिए नहीं लड़ी अंग्रेजों की जगह ब्राह्मणों को अपने सर पर नहीं बिठाना चाहते थे इसलिए वो शहीद नहीं हुए वो तो शहीद मुक्ति हासिल करने के लिए ही ये परिवर्तन यात्रा 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया और संविधान ने संविधानी जनतंत्र लोकतंत्र लागू किया मगर ब्राह्मणों ने लोकतंत्र को पर भी कब्जा कर लिया लोकतंत्र जो 4 पिलर पर खड़ा होता है उसमें एक विधायिका है जिसमें संसद आती है तो संसद में 2009 के चुनाव में ब्राह्मणों के पार्टियों ने 300 के संसद पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया है ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है सारे देश भर में पंजाब में 1.5% से ज़्यादा नहीं है सारे देश भर में 3.5% है और पंजाब में 1.5% से ज़्यादा नहीं है
और जो 1.5% है वो 1.5% ब्राह्मणों का कचूमर जो है गुरु ग्रंथ साहब में हमारे गुरुओं ने निकाल दिया है। तो इसलिए मैं जो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो 3.5% ब्राह्मण हैं, अगर देश में ईमानदारी से चुनाव करवाए गए होते तो ब्राह्मण ग्राम पंचायत का पंच नहीं चुनवा सकते थे, तो गांव का सरपंच बनाने का सवाल नहीं। ऐसा हमें बताया जाता है कि ये पिछड़े वर्ग का आदमी देश का प्रधानमंत्री है, मगर ये नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है। नरेंद्र मोदी नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है एंड नॉमिनेटेड बाय ब्राह्मण्स, ये ब्राह्मणों के द्वारा नॉमिनेट किया हुआ प्रधानमंत्री है। इसलिए वास्तविक सत्ता नरेंद्र मोदी के नियंत्रण में नहीं है, वास्तविक सत्ता पर्दे के पीछे से ब्राह्मणों के नियंत्रण में है। और इसलिए सारे देश भर में शेड्यूल कास्ट के लोगों पर अन्याय हो रहा है, शेड्यूल ट्राइब के ऊपर अन्याय हो रहा है, ओबीसी के ऊपर अन्याय हो रहा है, माइनॉरिटी में मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है, जैन है, लिंगायत है, इन सभी लोगों के ऊपर अन्याय हो रहा है। और ये जो अन्याय हो रहा है, इस अन्याय के विरोध में हम लोग अगर हम इकट्ठा होकर लड़ने का काम ना करेंगे तो हमारी पहले भी पिटाई हुई, आगे भी पिटाई होती रहेगी। इसलिए मैं सभी लोगों को अनुरोध करता हूं कि हम सब लोग मिलजुल कर सारे मजलूम इकट्ठा होकर, सारे जो अत्याचार से पीड़ित जो है, ये जो जालिम लोग, मैं इतना ही बात कहना चाहता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय मूल निवासी। अब मैं सचिव है, राष्ट्रीय सचिव, इनके पास सत्येंद्र लहोरिया जी वाइस प्रधान, डॉक्टर अम्बेडकर एकता मंच, सतविंदर जी कार्यकर्ता अम्बेडकर एकता मंच, ₹5,000 पे
ਇੱਥੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨਵਯੁਗ ਦਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਹੁਜਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਾਰੋ ਮਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਲਗਾਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਭਵਨ ਜਮਾਲਪੁਰ ਵਿਖੇ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਵਾਮਨ ਮੇਸ਼ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕੋਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਗੇ ਮਾਨਯੋਗ ਵਾਮਨ ਮੇਸ਼ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਜਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸਾਥੀਓ ਢੰਡਾਰੀ ਬਸਤੀ ਮੇਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਵਯੁਗ ਦਲ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਪਰਿਵਰਤਨ ਯਾਤਰਾ ਯਹਾਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਉਸਕਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਆ ਗਿਆ ਸਬਸੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉਨਕਾ ਹਿਰਦੇ ਸੇ ਆਭਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਔਰ ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਯਾਤਰਾ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਬਾਤੇ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਲੰਬੀ ਬਾਤ ਯਹਾਂ ਹਮ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਛੋਟੀ ਬਾਤ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੇਂਗੇ ਸਬਸੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜੋ ਪਰਿਵਰਤਨ ਯਾਤਰਾ ਮੈਂ ਇਸਕਾ ਸਮਾਪਨ ਹੋਗਾ ਤੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਮੇਂ ਜੋ ਪਰਿਵਰਤਨ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚਲੇਗੀ ਔਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੇਂ ਇਹ ਜੋ ਪਰਿਵਰਤਨ ਯਾਤਰਾ ਹੈ 31 ਰਾਜੋ ਕੀ 441 ਜ਼ਿਲ੍ਹੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਯਾਤਰਾ ਚਲੇਗੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਔਰ ਵੰਚਿਤ ਲੋਕੋ ਨੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਲੋਕੋ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਮੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਐਸੀ ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਯਾਤਰਾ ਆਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਾਲਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਨਵੀ ਸੰਸਾਧਨੋ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਤੀ ਹੈ ਤੋ ਐਸਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਯਾਤਰਾ ਕਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਥੀ ਉਹ 13 ਸਟੇਟ ਮੇਂ 140 ਜ਼ਿਲ੍ਹੋ ਮੇਂ ਵਾਮਸੇਵ ਸੰਗਠਨ ਥਾ ਅਭੀ ਇਹ 31 ਰਾਜਿਓ ਕੇ 539 ਜ਼ਿਲ੍ਹੋ ਮੇਂ 3,500 ਤਹਿਸੀਲੋ ਮੇਂ 22,000 ਬਲਾਕ ਮੇਂ ਔਰ ਜੋ 6 ਲੱਖ ਗਾਂਵ ਹੈ ਉਸਮੇਂ ਸੇ 1.5 ਲੱਖ ਗਾਂਵ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਕਾ ਨੈਟਵਰਕ ਫੈਲਾ ਹੁਆ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਮ ਲੋਗੋ ਨੇ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਸੇ ਇਸ ਆੰਦੋਲਨ ਕੋ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਆੰਦੋਲਨ ਮੇਂ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਇਕੱਠਾ ਕੀਆ ਲੋਗੋ ਨੇ ਦੀਆ ਔਰ ਉਸਕੋ ਹਮਨੇ ਖਰਚਾ ਕੀਆ ਤੋ ਇਸਸੇ ਆਪ ਲੋਗੋ ਕੋ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆ ਰਹਾ ਹੋਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸੰਗਠਨ ਹਮਨੇ ਬਣਾਇਆ 42 ਦਿਨ ਕਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਆ ਥਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮ ਲੋਗੋ ਕੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਾਲਨੀ ਥੀ ਔਰ ਤਜਰਬਾ ਹਮ ਲੋਗੋ ਕੇ ਪਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥਾ ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਮੇਂ ਹਮਨੇ 42 ਦਿਨ ਕੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਯਾਤਰਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿਕਾਲੀ ਥੀ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਕੋ ਜਬ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਮੇਂ 42 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਗਰਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਥੀ ਔਰ ਜਬ ਹਮਨੇ 3 ਜੂਨ ਕੋ ਸਮਾਪਤ ਕੀਆ ਤੋ 48 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਗਰਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਥੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਮਨੇ ਜੋ ਪਰਿਵਰਤਨ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਾਲੀ ਆਪ ਸੁਣਕਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਕੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਮਾਜ ਕੇ ਲੋਗੋ ਨੇ ਕੀ ਦੁਪਹਿਰ ਕੇ ਖਾਣੇ ਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਮਾਜ ਕੇ ਲੋਗੋ ਨੇ ਕੀ
रात के खाने की, रहने की, सोने की व्यवस्था समाज के लोगों ने की। बीच के समय में जितने कार्यक्रम हुए उस कार्यक्रमों में पंडाल की व्यवस्था और हर तरह के कुर्सी और सारी व्यवस्था लोगों ने की। प्रोपोगंडा की व्यवस्था लोगों ने की। एक नया पैसा हम लोगों को संगठन का जो ढांचा है, संगठन का जो नेटवर्क है वो फैला होने की वजह से एक नया पैसा हम लोगों को खर्चा नहीं करना पड़ा। उल्टा 42 दिन में महाराष्ट्र के लोगों ने हमें 45 परिवर्तन यात्रा निकली है। वो परिवर्तन यात्रा आज डिंडारी में आपके इलाके में आ पहुंची है। ये परिवर्तन यात्रा हम लोगों ने क्यों निकाली है इसे जानना बहुत जरूरी है। ये परिवर्तन यात्रा निकालने क्यों आवश्यक हो गया है तो उसका एक बहुत बड़ी वजह कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया है। ऐसा हर साल हमारे देश का प्रधानमंत्री लाल किले पर जाता है और जोर जोर से भाषण करके कहता है कि देश को आज़ादी को अभी इतना साल हो गया है, फिर बोलता है इतना साल हो गया है। तो 15 अगस्त 1947 को जो प्रधानमंत्री देश को कहता है आज़ादी मिली है, मैं आपको कहता हूँ कि अंग्रेज नाम का विदेशी चला गया और ब्राह्मण नाम का विदेशी देश का हुक्मरान हो गया। अंग्रेज नाम का विदेशी चला गया और उसकी जगह ब्राह्मण नाम का विदेशी आ गया, वो हमारे सर पर बैठ गया। वो विदेशी सर पर बैठ गया ये बात हमारे लोगों को मालूम ना हो इसलिए हर साल 15 अगस्त को लाल किले के ऊपर चढ़कर प्रधानमंत्री चिल्लाता है कि देश आजाद हो गया। उन लोगों को इस बात का डर लगता है कि कहीं ये लोग भूल न जाए कि देश आजाद हो गया। भूल गए तो साला गड़बड़ हो जाएगा और ये मानना शुरू कर देंगे कि हम आजाद नहीं हुए तो फिर दोबारा आजादी का आंदोलन शुरू कर सकते हैं। हम तो नहीं मानते। आप लोगों को ये सुनकर और हैरानी होगी कि 1848 को ज्योतिराव फुले ने हमारे लोगों के आजादी का आंदोलन शुरू किया था, वो गांधी जी पैदा भी नहीं हुए थे। मुझे नहीं लगता आप लोगों को इसके बारे में कुछ पता है। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी पैदा हुए और हम लोग जानना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत प्रचार में लाया जा रहा था कि अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया। केवल अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया, मगर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ज्योतिराव फुले, छत्रपति शाहू महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर इस सिद्धांत को नहीं मानते थे। क्यों नहीं मानते थे? क्योंकि अंग्रेज आने के पहले जब कैबिनेट की मीटिंग होती थी तो प्रधानमंत्री प्रणब मुखर्जी को सर बता, सर अरे तू प्रधानमंत्री है भाई, तेरा नीचे काम करने वाला कैबिनेट मिनिस्टर तेरा सर कैसे हो गया? जो बाबू आदमी है वो मैनेजर को सर बोलता है, बोलता कि नहीं बोलता? मगर इधर प्रणब मुखर्जी कैबिनेट मिनिस्टर था और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। कैबिनेट के मीटिंग में मनमोहन सिंह प्रणब मुखर्जी अपना जूनियर उसको सर सर, इसका मतलब है कि असली पावर जो था वो प्रणब मुखर्जी। भागवत के सामने अपना पैर सारा आदमी, अगर प्रधानमंत्री साला पैर पड़ रहा है तो बाकी का तो लाइन लगा के ना पड़ेगा। जब ये खबर छप के आई तो हमने सारे देश भर में इसके लिए कि नरेंद्र मोदी संविधान के विरोध में काम कर रहा है ये बात हमने सारे भाषणों में देश भर में प्रचार करना शुरू कर दिया। और इसलिए शुरू कर दिया कि हम देखना चाहते हैं कि साल भर पूरा होने के बाद नरेंद्र मोदी ऐसा कर रहा है, अब दूसरा साल पूरा होने के बाद क्या करता है देखते। दूसरा साल खास करके यूपी के साथी तो मेरे साथी था, मेश्राम जी भी मेरे ख्याल हिंदी वाले हैं तो मुझे हिंदी बोलना चाहिए, मराठी तो मैं बाबा साहब के को जहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ आज के इस जहाँ पर साहब कांसी राम ने 2000 में बहुत बढ़िया इसी जगह के मेश्राम साहब कांसी राम ने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया। हमको 4:15 का टाइम दिया था क्योंकि जब सतीश जी की कोठी में साहब कांसी राम जी
थे वहां पे हम लोगों को बुलाया कि उत्तर प्रदेश बिहार के लोग मेरे कल पंजाब का साथी एक हमारा अमन बूढ़े भी से बैठा है। उस टाइम साहब कांसीराम ने कहा उत्तर प्रदेश बिहार वाले पंजाब के लोगों की तरह कोढ़ी हो गए हैं, क्योंकि हम लोगों ने कुछ रसीद लिया था, मेंबरशिप लिया था, पहुंचाया नहीं सके थे। 60,000 रुपए हमारे पास था, हमने दिया था तो कहे 60 जूता मार के इनको नीचे उतार दो। हम लोगों ने सोचा कि पंजाब के लोग 5 रुपए नहीं देते तो उनको तो कभी नहीं कहा, लेकिन हम लोग मतलब जब 10,000 रुपए तक पूरे पंजाब में किसी ने नहीं दिया, क्यों अमन जी? हम लोगों ने 60,000 रुपए दे रहा हूं तो बोले 60 जूता मार के नीचे उतार दो। तो हम लोगों ने वहां 60,000 रुपए लेके चले। हमने कहा बाहर में जाए, जूता भी खाए, पैसा भी नहीं, आज के बाद हम जाएंगे नहीं, बंद कर देंगे। साथ कांसीराम जी ने वहां बुलाया सिविल अस्पताल के पास, उन्होंने बोला कहा किसको जाता है, आप लोग नाराज हो गए, हम उसको कहते हैं जो हमसे बर्दाश्त कर सके, जिसको अपना समझते हैं। तो तब तो बोले थे 60 जूता मार के इनको नीचे उतार दो, अब जल्दी 1,00,000 रुपए नहीं जमा करें तो 60 जूते फिर पड़ेंगे। तो 1,00,000 रुपए हम लोगों ने, मुझे भी पता लगा कि सीरिये में बावन मिश्राम जी आने वाले हैं, भाई लवली जी से मैंने रिक्वेस्ट किया कि भाई प्रदीप अम्बेडकर जी तो घर पे रह के गए, आए हैं डीएल मतंग जी आए हैं और मिश्राम साहब आ रहे हैं, तो मेरा बहुत सौभाग्य होगा, मैं धन्यवाद का अपने आप को पात्र समझूंगा अगर मेरे बीच में मिश्राम साहब आए और मान्यवर साहब हमारे बीच में आए। इनका कोटन कोट डॉक्टर अम्बेडकर नवजीवन दल और खास करके मक्कड़ कॉलोनी के निवासी और खास करके हमारे बीच में मक्कड़ कॉलोनी से राजू जी और जितनी सारी टीम है वो आपका बहुत बहुत आभारी है, आपकी टीम का आभारी है, प्रदीप जी का हमारे सरपरस्त भी है और मेरे ख्याल उसमें परिवर्तन में भी लवली जी, इनका भी धन्यवाद करते हैं। और यहाँ पर जितने हमारे साथी दूसरी यूनिटों से, क्योंकि आज तो असली जो हमारा डॉक्टर अम्बेडकर नवजीवन दल का प्रोग्राम है वो वाल्मीकि भवन में है, तो सब लोगों को अगर छोड़ दे तो बहुजन समाज पार्टी का बूथ भी नहीं लगता है। और ये जहां उनके अहदेदार जिला प्रधान पता नहीं कौन कौन से प्रधान है उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं उनके बूथ से निकाले तो कम से कम जो यहाँ ये यूपी बिहार वाले जितनी वोट लगभग 3.25 लाख वोटर है, यहाँ 3.25 लाख वोट यूपी बिहार वालों का जो बना हुआ है उसमें से जो है कुल मिला के, मेरा कहने का मतलब था मानवर साहब यहाँ उत्तर प्रदेश बिहार के लोग चाहे अधिकार वंचित है अब तो काफी लोग चाहे साथी पहुंचेंगे। सभी साथियों का नमो बुधाए, जय भीम जय भारत।